कि आज विले पार्ले में इस इरला में 35 सालों से लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम सतत हम मनाते हैं और 26 जनवरी का जो दिन है आज संविधान का दिन है। आज के दिन हमारा संविधान बना था और ये भी आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लोकतंत्र 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज हमें भी इस चौक के ऊपर में आज 35 सालों से इस कार्यक्रम को सतत कर रहे हैं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि इस झंडा वंदन के कार्यक्रम में फ्लैग होस्टिंग में सुरेश ओबेरॉय जी थे जो प्रसिद्ध फिल्म स्टार है। हम बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ पर हमेशा प्रत्येक वर्ष इन दोनों कार्यक्रम में हम बुलाते हैं और हमारे साथ में अपने जो हमारे लोकप्रिय MLA पराग अरुण जी वो भी उपस्थित थे। हमारे बीच में जो स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी वो भी यहाँ पर उपस्थित थी और उसके साथ में बड़ी संख्या में अपने विभाग के लोग भी उपस्थित थे। और इस दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो समाज में अच्छा काम करते हैं ऐसे हस्तियों का भी हम सम्मान करते हैं। आज हमारी सम्मान मूर्ति थी यहाँ पर विपिन भाई नरसाना यहाँ पर उपस्थित है जो काफ़ी सारे सामाजिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में प्रवीण गाला जी हैं जो चौक पर गौ रक्षा के अंदर में काफ़ी सारा गुजरात के अंदर में कार्य करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं। हमारे बीच में हितेन भाई शाह है जो काफ़ी जैन मंदिरों के माध्यम से पांजरा पोल के माध्यम से गायों की सेवा करते हैं। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जो गिरीश चड्ढा जी है जिन्होंने काफ़ी सारे काम कोविड के दौरान किए थे, तो ऐसे काफ़ी लोगों का हम सम्मान करते हैं। जो नागरिक सम्मान हम देते हैं वो भी आज एक दिन है उनको सम्मानित करने के ऐसी हस्तियों को, और इसीलिए ये हमें भी खुशी होती है कि आज प्रजासत्ताक के दिन जो अपना संविधान का दिन है जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो इसको जिन्होंने संविधान लिखा उस संविधान के निमित्त हम लोगों का भी सम्मान करें और हमारे जो जीवन यापन का जो स्तर है वो भी अच्छी तरह से लोगों के अंदर देशभक्ति का जुनून और देशभक्ति की ज्वाला निरंतर हमारे सीने में धधकती रहे, हमेशा दहकती रहे। यही हम इस जो दोनों जो त्यौहार है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम संदेश देते हैं। और बड़ी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे, हम महिलाएं भी काफ़ी सारी यहाँ पर उपस्थित थी, साथ में काफ़ी सारे अपने विभाग के लोग थे, हम उनका भी आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी भारी संख्या में आज उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया।